क्रॉसिंग ओवर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा टॉपिक आज हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप 12th में हो या फिर आप बीएससी जूलॉजी कर रहे हो तो दोनों ईयर के स्टूडेंट ये सारे वीडियोस मेरे चैनल में देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आप नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करोगे या फिर लायन बैच के नाम से सर्च करोगे, सारे वीडियो आप लोगों को जूलॉजी के लाइन से मिल जाएंगे। या फिर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो कर सकते हो नॉलेज अड्डा के नाम से। बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, आप लोग चेक जरूर करें, जहां पर सारे वीडियो आप लोगों को लाइन से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफी इजी, मैंने इसका नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है, नीचे दिए गए नंबर पर जाकर के आप लोग नोट्स कॉन्टेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। सिनॉप्सिस देख लेते हैं कौन कौन सा रूपरेखा आपको ऐड करना है इस टॉपिक के लिए। देखिए सिनॉप्सिस में क्या होता है ना, अगर हम एग्जाम में लिखते हैं, अगर हम सिनॉप्सिस लिख देते हैं तो हमारी मतलब कॉपी जो चेक करने वाली है उनके नजर में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि उनको एक बार में ही देख करके समझ आ जाता है कि इन्होंने कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। तो जब भी आप नोट्स बनाते हो या फिर आप एग्जाम में लिखते हो तो सिनॉप्सिस जरूर लिखना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज क्या क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, देन डेफिनेशन बताऊंगी, इसका मैकेनिज्म पूरा बताऊंगी, साथ में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे विथ डायग्राम, टाइप्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वेरी इजी टॉपिक जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। तो चलिए गाइस सबसे पहले दो साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए, मार्गन और कैस्टल, सन 1912। तो क्रॉसिंग ओवर शब्द की जो सबसे पहले जो ओरिजिन है या फिर उन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो मार्गन और कैस्टल के द्वारा सन 1912 में किया गया था, है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन बहुत ही इजी है और जो इसका डायग्राम है ना वो बेस्ट है। ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाना, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो इंक्लूड करो दोनों डायग्राम को और ये डेफिनेशन को। एक बार पढ़ के बताती हूँ डेफिनेशन को। दो समजात गुणसूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच भागों या खंडों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, चलिए लाइन से भी अच्छे से समझते हैं। दो समजात गुणसूत्र जिसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आखिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो क्रोमोसोम आप लोगों को शो हो रहा है, या फिर हम मैं कहूँ क्रोमोसोम का दो पेयर आप लोगों को दिख रहा है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। कहने को तो हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। कारण क्या है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इनका जो आकृति है, जो इनका आकार है, जो साइज है, वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम वह क्रोमोसोम का पेयर होता है जो कि एक पेयर हमको फादर के साइड से मिलते हैं और एक पेयर जो है वो मदर के साइड से मिलते हैं। तो इस टाइप का जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर समजात गुणसूत्र कहते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर होना है वो इसी समजात गुणसूत्र के ऊपर होने वाला है, ठीक है गाइस। अब चलिए आगे समझते हैं, समजात गुणसूत्र समझ लिए। तो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो आखिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना। देखो यहां पर एक क्रोमोसोम का पेयर आप लोगों को दिख रहा है, इसका जो ये दो आर्म्स है, जो दो आर्म्स है वो एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। जैसे आप लोग दो बहन है, एक ही मम्मी पापा के दो बहन है ना, तो वो आप लोग क्या हो, सिस्टर। और ये जो पिंक कलर का क्रोमोसोम है उनके दो आर्म्स है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है ना। अब देखो लेकिन यहां पे टर्म यूज हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ, ये वाला जो आर्म्स है, यहाँ पे मैं अलग कलर के पेन से बताती हूँ। अब देखो ये वाला जो आर्म है और ये वाला जो आर्म है या फिर ये वाला जो पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। आया नहीं समझ में आप लोगों को, एक बार फिर से बता रही हूं, कंफ्यूज मत होना, ये समझना जरूरी है तभी आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर समझ में आएगा, ठीक। देखो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आर्म्स क्या है एक दूसरे के लिए, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है नॉन सिस्टर, मतलब ऐसा क्रोमेटिड जो कि सिस्टर नहीं है, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपका नॉन सिस्टर होगा, बहुत ईजी है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलने का मतलब यहाँ पे कौन कौन से क्रोमोसोम कौन कौन से क्रोमेटिड की बात हो रही है, ये वाले क्रोमेटिड की बात हो रही है और ये वाले क्रोमेटिड की बात हो रही है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गया गाइस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। समझात भूर सूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। खंड मतलब उनका सेगमेंट। अब देखो इसका कुछ सेगमेंट इसमें चला जाता है और इसका कुछ सेगमेंट इधर आ जाता है। देखो यहाँ पर जैसे ही ये दोनों क्रोमोसोम जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में समझात भूर सूत्र जैसे ही पास पास आते हैं, जैसे इसमें सिनेप्सिस होता है, जैसे एक दूसरे के पास आके चिपकना चालू करते हैं, वैसे ही क्या होता है इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना वो क्या कर लेते हैं, ऐसा क्रॉस बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार इमेज में जो शो हो रहा है और इसके कुछ जो पार्ट्स है जो कुछ सेगमेंट है वो एक दूसरे पे आकर के जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला ब्लू वाला क्रोमोसोम तो पूरा ब्लू होना चाहिए बट ये वाला इतना जो पार्ट है वो इस क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट है जो कि यहां पर आकर के जुड़ गया है और ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम है उसका कुछ सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम में आकर के जुड़ गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, सभी चीजों को मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है क्रॉसिंग ओवर, समझ में आया आप लोगों को। देखो दो समझात भूर सूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट का या फिर कुछ खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। बहुत ही ईजी है, समझ आया गाइस आप लोगों को। देखो क्रोमोसोम में क्या मौजूद होते हैं गाइस, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे अनगिनत मतलब कहे कि हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में जीन्स मौजूद होते हैं। और मैंने याद कीजिए पिछले टॉपिक में आप लोगों को लिंकेज के बारे में बताया था, सहलग्न जीन्स के बारे में बताया था, ऐसे जीन्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमेशा साथ साथ जाते हैं, ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, वो आपके सहलग्न जीन्स या फिर लिंकेज जीन्स कहलाते हैं, फिर लिंकेज का प्रोसेस कहलाता है। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना उस समय लिंकेज नहीं हो पाता है या फिर कहें कि लिंकेज का जो प्रोसेस है वो धीरे से कम हो जाता है, क्योंकि जो जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला था वो क्रॉसिंग ओवर के कारण टूट जाते हैं या फिर बिछड़ जाते हैं, जिस वजह से उनके बीच लिंकेज नहीं हो पाता है। तो ये सब है गाइस छोटी मोटी बातें। देखिए मार्गन और कैस्टल ने जो क्रॉसिंग ओवर शब्द की उत्पत्ति की थी इनके बारे में बताया था, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे मक्का के ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर, बहुत सारे बीजों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे और उन्होंने देखा कि लिंकेज तो वहां पर हो ही रहा है लेकिन साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नए नए जीवों की उत्पत्ति, मतलब नए लक्षणों वाले जीवों की उत्पत्ति हो रही है, ऐसे जीव पैदा हो जा रहे हैं जिनमें अजीब से लक्षण है या फिर नए नए लक्षण है, तो ये सब क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है। ठीक है, जीवों के विकास के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, चलिए हम लोग आगे देखते जाते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए गाइस इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन तो हम लोग अच्छे से समझ लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, मतलब क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग मैकेनिज्म के अंतर्गत देखने वाले हैं। बेसिकली जब आप लोग इसकी क्रियाविधि लिखोगे, मैकेनिज्म लिखोगे, तो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका सिनेप्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन, दूसरा पार्ट होगा आपका क्रोमोसोम का विभाजन और तीसरा होगा क्रॉसिंग ओवर। तो ये तीनों मैकेनिज्म के स्टेप हैं, तीनों के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और इसका तो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए हो, है ना। तो चलिए हम लोग लाइन से धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो देखिए सवाल मन में ये आता है कि आखिर क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो इसका आंसर है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस सेल डिवीजन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस विभाजन, मियोसिस विभाजन के पूर्वावस्था में जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट का जो स्टेज होता है उसके पैकेटिन अवस्था में होता है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। अगर आपके एग्जाम में आता है क्रॉसिंग ओवर तो ये पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के पूर्वावस्था के पैकेटिन अवस्था में संपन्न होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से संपन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग
होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हो, समजात गुणसूत्र का जोड़ा देख रहे हो, तो जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन चालू होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो एक जब क्रोमोसोम के जो दो पेयर है वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सिनेप्सिस या फिर संयुग्मन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, संयुग्मन मतलब दो क्रोमोसोम का जो पेयर है वो आपस में आकर क्या हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, सिनेप्सिस हो जाता है उनका। देखो यहाँ पे मैंने पहला क्या बताया था, पहला पॉइंट संयुग्मन। तो संयुग्मन वही होता है जब दो होमोलोगस आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, जब एक दूसरे से आकर के चिपक जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है सिनेप्सिस। तो क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब सिनेप्सिस होगा, क्रोमेटिन एक दूसरे से तभी जुड़ेंगे ना जब पास आएंगे दोनों क्रोमोजोम। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, सिनेप्सिस हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म हो रहा है, टेट्राड। आखिर ये टेट्राड क्या होता है? जैसे ही दोनों क्रोमोसोम पास में आ जाते हैं तो हमको एक अवस्था दिखाई देता है जिसमें हमको चार क्रोमेटिड दिखाई पड़ते हैं। देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और चौथा ये। मतलब यहाँ पर हमको जब सिनेप्सिस हो जाता है तो दोनों गुणसूत्र के जो पेयर आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, तो उस वक्त हमको ऐसा लगता है कि चार क्रोमेटिड दिख रहे हैं। उस अवस्था को हम लोग कहते हैं टेट्राड। और टेट्राड जो अवस्था है वो इसी पैकेटिन अवस्था में हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर के टाइम ही हमको ये जो टेट्राड की स्थिति है वो देखने को मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम आकर के बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गए हैं, जुड़ गए हैं, इस वजह से हमको ट्राट की स्थिति देखने को मिलती है। समझ आएगा इस आप लोगों को? अब देखो आगे सेकंड नंबर के स्टेप क्या है, क्रोमोसोम का विभाजन। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पास पास आते हैं, देखो ये वाला इस क्रोमोसोम का आर्म और इस क्रोमोसोम का आर्म, दोनों आर्म्स क्या होते हैं, आकर के ऐसे जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इसी समय क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। या फिर ये कहें कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टूट जाते हैं, और जैसे उनके जो सेगमेंट है वो टूटते हैं, उनका एक सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम में और इनका जो एक सेगमेंट है वो इस वाले क्रोमोसोम में आ जाते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। समझ में आया गया इस क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म? देखो एक और टर्म यूज हो रहा है, कियाज्मेटा। अब ये कियाज्मेटा क्या है, देखो यहाँ पर जहां पर क्रोमोसोम का दूसरा सेगमेंट यहाँ पर आकर के जुड़ा हुआ है, वहां पे एक बिंदु दिखाई पड़ता है। मतलब उस पार्ट को देखने से हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस जगह पर जो क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो टूट के जुड़े हुए हैं, वो बिंदु अभी भी हमको दिखाई पड़ते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा बोलते हैं। आया समझ में कियाज्मेटा आप लोगों को? ठीक है। देखो क्रॉसिंग ओवर का एक और टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, खैर अगर आप क्रॉसिंग ओवर वर्ड ही यूज करते हो तो वही आप लोग यूज करना, बाकी और ज्यादा कंफ्यूज इसमें मत हो। तो ये होता है गाइस क्रॉसिंग ओवर का एक मैकेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर के जुड़ जाते हैं, देन उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो उनका जो सेगमेंट है वो टूटना चालू कर देते हैं, और ये जो संपूर्ण क्रिया है वो मियोसिस सेल डिवीजन के पूर्वावस्था के पैकेटिन अवस्था में होता है। टेट्राड की स्थिति भी हमको देखने को मिलती है, और जिस जहां पर सेगमेंट टूटे रहते हैं जब जुड़ जाते हैं तो वहां पर भी एक बिंदु दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखो आप लोग एक रफ कॉपी लेकर के बैठो, है ना, जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको लिखते जाओ, लेकिन जब आप किसी उस टॉपिक की जब तैयारी करोगे, जब वो रफ कॉपी को निकाल के देखोगे ना, जो जो पॉइंट आप लिखे रहोगे आप लोगों को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और जब भी अगर आपकी एग्जाम में आता है, डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितने टाइप्स के, काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है उसका, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों को डायग्राम अच्छे से शो हो रहा होगा। खैर जो कुछ लिखा है उसकी जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख के डरो मत, बिल्कुल भी इजी है ये। तो देखिए बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसको किस बेस पे डिवाइड किया गया, किस बेस पे उसको प्रकार में डिवाइड किया गया, तो उसके कियाज्मेटा की संख्या के आधार पर उसको जो है वो बांटा गया है। कियाज्मेटा मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर क्रॉस करते हैं, और जहां पर क्रॉस करते हैं तो जो बिंदु मिलता है हमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो उनके क्रोमेटिड है वो कितने बार क्रॉस किए हैं। अगर एक बार क्रॉस किए हैं तो वो एकल सिंगल कहलाएगा, दो बार क्रॉस किए हैं तो डबल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई या फिर इनके काइंड्स पे डिवाइड किए हैं। देखो सबसे पहले है सिंगल क्रॉसिंग ओवर।
जिसको हम लोग कहते हैं एकल विनिमय, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, एकल विनिमय। तो एकल विनिमय में क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो केवल एक बार क्रॉस करता है, यहाँ पे देखो एक बार क्रॉस करता है, जो यहाँ पे कियाजमेटा भी हम लोग देखेंगे तो केवल हमको सिंगल कियाजमेटा हमको यहाँ पर मिलता है ना। तो एक बार अगर क्रॉस हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, आपका एकल विनिमय कहलाता है। देखो टू स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर, अगर गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई पर दो बार क्रॉस हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर या फिर द्विविनिमय कहलाता है ना। थर्ड नंबर का देखिए, थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, मतलब यहां पर तीन बार क्रॉस हुआ है तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, त्रिविनिमय जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, तो यहां पर अनलिमिटेड यहां पर बार बार क्रॉस हुए हैं तो इसको हम लोग बहुविनिमय भी बोलते हैं गाइस, है ना। तो ये है, आप लोग इसको लिख सकते हो। तो जैसे जैसे क्रॉस, जितना ज्यादा क्रॉस होगा कियाजमेटा की संख्या भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये है गाइस आपका काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। मेन क्या एग्जांपल आप लोग समझोगे तो क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं ड्रोसोफिला का एग्जांपल बताती हूँ और वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो चलिए गाइस यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है ड्रोसोफिला मक्खी का एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जीव जंतुओं के ऊपर प्रयोग किया क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए, संलग्नता को समझने के लिए, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर एक पेज का फोटो डाला हुआ है, तो ये आप लोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी वैसे मैंने उसी चीज को बता रही हूँ बट मे भी इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो आप जो पहले मैंने फोटो दिखाया वो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हो, है ना, ड्रोसोफिला के लिए। चलिए एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिये सबसे पहले ना ड्रोसोफिला नाम की दो मक्खियों को लिया गया, दो मक्खी बिल्कुल अलग अलग टाइप की थी। पहली मक्खी कैसी थी, ग्रे कलर की, मतलब समथिंग हल्का भूरा कलर का, और वेस्टिजियल पंखों वाली, कहने का मतलब है उनके पंख अल्प विकसित थे जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स। तो पहली मक्खी कौन सी ली गई, ग्रेइस कलर का था उसका कलर, और जो उनके पंख थे वो उतने अल्प उतने विकसित नहीं थे, बिल्कुल अल्प विकसित पंख थे। तो ये कौन सा है, हमारा मेल है। तो मेल मक्खी जो नर मक्खी है वो इस प्रकार की मक्खी को लिया गया। जो कैपिटल बी यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है वो किसके लिए है, ग्रे कलर के लिए है, और जो यहाँ पर कैपिटल वी मैंने यूज किया हुआ है वो किसके लिए है, वेस्टिजियल विंग्स के लिए है, मतलब अल्प विकसित पंख के लिए है। एक और मक्खी फीमेल मक्खी यहाँ पर लिया गया, तो जो फीमेल मक्खी थी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की थी और उनके जो पंख थे वो काफी लंबे लंबे थे, मतलब ब्लैक लॉन्ग कलर की मक्खी थी ये। और जो ब्लैक कलर है उसको हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लॉन्ग विंग्स है उसको हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन मैथुन क्रिया कराया गया, संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो पहले जनरेशन में जो हमको मक्खी मिली, मतलब उनके जो भी बच्चे पैदा हुए किस प्रकार के हुए, ग्रे लॉन्ग, मतलब उनका कलर ग्रे कलर का था और उनके पंख लंबे लंबे थे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। इस प्रकार की मक्खी हमको पहले जनरेशन में प्राप्त हुई। इसका कारण क्या था कि जो ग्रे कलर है वो ब्लैक कलर के ऊपर ज्यादा प्रभावी था, इसलिए पहले जनरेशन में जो मक्खी का कलर था वो ग्रे कलर का था, और जो वेस्टिजियल पंख था वो लॉन्ग पंख के ऊपर जो है वो कम प्रभावित है, मतलब जो इनके जो पंखों का आकार था वो लंबे लंबे थे। तो इस प्रकार हमें ग्रे लॉन्ग कलर की मक्खी हमको पहले जनरेशन में प्राप्त हुई, याद है, क्लियर हुआ। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। याद कीजिए मैंने आप लोगों को लिंकेज में बताया था, जहां पर लिंकेज कंप्लीट लिंकेज का मैंने एग्जांपल बताया था ड्रोसोफिला का, वहां पर कंप्लीट लिंकेज हुआ था, वहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। बट यहां पर क्या हो जाता है, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच क्या हो जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है, मतलब जो सहलग्न जीन्स थे उनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अब सेकंड जनरेशन में जो भी मक्खी हमको मिलेगी वो कुछ अजीब लक्षणों वाली होंगी, क्यों भाई क्यों ऐसे होंगी, कहने का मतलब है कि इनके जो जीन्स है उनके बीच क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रोमेटिड एक दूसरे कुछ सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में आकर के जुड़ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज नहीं हो पाया है क्रॉसिंग ओवर होने के कारण। अब जो हमको यहाँ
पर ग्रे लॉन्ग कलर की जो फीमेल मक्खी मिली थी उसका फर्टिलाइजेशन, उनका जो संकरण है, उनका जो क्रॉस है, हम लोग किसके साथ कराएंगे? ब्लैक वेस्टिजियल, मतलब ऐसे हम मक्खी को लेते हैं जो कि ब्लैक कलर का है और उसके जो पंख है वो अल्प विकसित है, जो कि क्या एक प्रकार के मेल है, उनके साथ हम लोग इसका क्या करा देते हैं? फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। सेकेंड जनरेशन में अब हमको चार टाइप की मक्खी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो दो टाइप की जो मक्खी होगी वो बिल्कुल अलग लक्षणों वाली होंगी। यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो पहली जो मक्खी हमको मिली वो कैसा था? ग्रे वेस्टिजियल था, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे, बिल्कुल अपने पूर्वज के जैसे। यहाँ पे देखो शुरू में ही हम लोगों ने ग्रे वेस्टिजियल लिया था ना, और क्या लिया था? ब्लैक लॉन्ग लिया था। तो पहले की जो दो मक्खी हमको मिली वो तो अपने बिल्कुल अपने पूर्वज के समान थी, है ना, बिल्कुल अपने पूर्वज के समान थी। जो शुरू के दो दो मक्खी हमको मिले वो ब्लैक लॉन्ग और ग्रे वेस्टिजियल, 41.5% नॉन क्रॉस वाली मक्खी है, उनमें जो बिना संकरण वाली जो मक्खी है, मतलब जिनमें बिना क्रॉसिंग ओवर वाली जो मक्खी है वो हमको 41.5% प्राप्त हुई। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण जो मक्खी हमको मिली वो कुछ अजीब लक्षणों वाली थी। देखो यहाँ पे ब्लैक वेस्टिजियल, मतलब ऐसा मक्खी है जो कि ब्लैक कलर का है और उसके पंख अल्प विकसित है। तो इस टाइप की मक्खी तो हमारे ना पहले जनरेशन में थी ना उसके पूर्वज थे, कोई भी ऐसी नहीं थी, फिर भी इस टाइप की मक्खी हमको मिली। और ग्रे लॉन्ग भी थोड़ा सा अजीब लक्षण वाला था। तो इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर के कारण हमको कुछ इस तरीके की मक्खियां हमको मिली, मतलब जो भी मक्खी हमको मिली कुछ विशेष लक्षणों वाली यहाँ पर पैदा हुई। किस लिए हुआ गाइस ऐसा? क्रॉसिंग ओवर के कारण, है ना। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अगेन मैं यहाँ पे एक फोटो दे रही हूँ, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें मैं भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट उस फोटो का स्क्रीनशॉट लोगे ना तो फिर आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे फैक्टर बताऊंगी जो कि क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देख लेते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एज फैक्टर, यहाँ पर आप लोग लिखते जाना। सबसे पहला है एज फैक्टर, या फिर बोल सकते हैं आयु का प्रभाव। तो देखो आयु का प्रभाव पड़ता है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है? जीव की आयु जैसे जैसे बढ़ते जाती है, एक मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु जैसे जैसे अपनी उम्र की सीमा क्रॉस करते जाते हैं, कि आजमीटर बनने की जो प्रकृति है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होने की जो प्रकृति है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये पहला फैक्टर है जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है। दूसरा नंबर का फैक्टर है इन्वायरमेंटल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वातावरणीय प्रभाव। वातावरण का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आजमीटा बनने की आवृत्ति जो है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है ना। चलिए थर्ड नंबर का यहाँ पर लिखते जाइए, रफ कॉपी में आप लोग लिखते जाना। थर्ड नंबर का है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर काफी इफेक्ट पड़ता है जो मनुष्य, उनके शरीर का तापमान कैसा है, वातावरण का तापमान कैसा है, वो भी कि आजमेटा बनने की प्रवृत्ति को या फिर क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे केमिकल का प्रभाव, अगर केमिकल का प्रभाव ज्यादा है तो भी कियाजमेटा बनने की आवृत्ति पर जो है वो इसका इफेक्ट पड़ता है। जीन्स के बीच का डिस्टेंस, जीन्स के बीच की अगर दूरी ज्यादा है तो फिर वहां पे क्रॉस होने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। अगर जीन्स पास पास है तो फिर वहां पे क्रॉस होने की संभावना उतनी कम होती है। और एक्सरे हो गया, ये सब का प्रभाव क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर के ऊपर पड़ता है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब चलिए आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर है उसका आखिर महत्व क्या है। तो देखिए जीवों के विकास के लिए क्रॉसिंग ओवर काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नए नए लक्षणों का उत्पत्ति होती है। तो नए नए लक्षणों की उत्पत्ति के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है, और जीव के विकास के लिए क्रॉसिंग ओवर का काफी ज्यादा योगदान होता है। क्लियर होगा इस आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर सारे वीडियो लाइन से देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी टॉपिक का लिंक डाल करके रखा हुआ है, वहां पर जाकर के सारे वीडियो आप लोग लाइन से देख सकते हो। आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।